ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, कुछ समझ में आया? बोलो। आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इज जीरो, तो आर क्रॉस बी, आर माइनस सी क्रॉस बी दिखा सबको कि नहीं बताओ? याद आ रहा है कुछ कुछ? कल की क्लास में मैंने कराया था ये सब। ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, जैसे ही दोनों वेक्टर पैरेलल हुए तो आर वेक्टर को आप क्या करोगे तुरंत? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस सी अज्यूम कर सकते हो कि नहीं बताओ? अब लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन क्या दी हुई है कि आर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, वहां से लैम्डा निकाल लेंगे और आंसर लिख लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? तो बस वेक्टर आर अज्यूम कर लो, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बोलो और प्लस सी वेक्टर, तो जो आर वेक्टर हुआ क्या होगा? लैम्डा प्लस 4 टाइम्स ऑफ आई, लैम्डा माइनस 3 टाइम्स ऑफ जे एंड लैम्डा प्लस 7 टाइम्स ऑफ के। और आपको दिया है आर डॉट ए इज जीरो, वहीं से डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 4 और प्लस लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा? 3 लैम्डा इक्वल टू -15, लैम्डा की वैल्यू -5 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू -5 रख दो तो आर वेक्टर निकल आएगा। आर वेक्टर क्या आ रहा है बोलिए? -i कैप -8 जे कैप और प्लस का 2 k कैप। देखिए क्या ये आंसर समझ में आया सबको? बताओ, सोचो। अगर a डॉट b और a डॉट c जीरो है तो इसका मतलब a वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर है, a वेक्टर c के भी परपेंडिकुलर है। उसका मतलब वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी ले सकते हो कि नहीं? बोलो। अरे ले सकते हो कि नहीं? इसका मतलब ए का जो मॉडुलस है वो बी क्रॉस सी के मॉडुलस के बराबर होगा। अच्छा, अगर बी और सी के बीच का एंगल π/6 है तो बी क्रॉस सी का जो मॉडुलस होगा वो होगा मॉड बी मॉड सी इंटू साइन π/6। तो बी क्रॉस सी का जो मॉडुलस होगा वो किसके बराबर होगा? हाफ के, यानी कि 1 इज इक्वल टू मॉड लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 2। इसका मतलब वेक्टर ए कितना आ जाएगा? प्लस माइनस बी क्रॉस सी। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया कि नहीं? तो बस यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी उससे ही हमने एनालाइज किया कि वेक्टर ए को हम बी और सी के परपेंडिकुलर ले सकते हैं, यानी वेक्टर ए को हम लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी ले सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का वो ये आता है कि अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, दैट इज ए बी सी, ठीक है, और कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर आपने ले लिए, तो जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो वो होता है 1/2। अगर मान लो आपने ये दोनों साइड वेक्टर लिए तो बी सी क्रॉस बी ए वेक्टर, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/2। ये दोनों सी पॉइंट पे लिख दो तो ये भाई ये क्रॉस ही हो गया। अब ऐसे इसको भी क्रॉस करना सेम सेंस में, तो ये क्रॉस ऐसे कर दो, है कि नहीं? बोलो। मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं पूरे वेक्टर का अलग अलग लेवल पे, तो ये क्रॉस यानी कि सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर। अगर ए से यही सेम क्रॉस आपको ए से करना है तो ऐसे कर दो, यही एरिया क्या हो गया? 1/2। बोलो कौन से दो वेक्टर बताइए? ए बी वेक्टर एंड ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और सबका मैग्नीट्यूड ले लो, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके बाई टू कर दो। समझे कि नहीं? कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर लेकर उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको एडजेसेंट साइड वेक्टर की जगह तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर पता है, जैसे ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है, तो कोई भी एक पॉइंट फिक्स करके कोई भी दो वेक्टर आप निकाल लो। मान लो हमने ये दोनों वेक्टर निकाले तो ये हो गया सी माइनस बी वेक्टर और ये हो गया ए माइनस बी वेक्टर। तो अब इसका एरिया अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1/2। बताइए, कोई भी प्रोडक्ट कर दो तो ए माइनस, सॉरी हाँ क्रॉस कर देंगे सीधा, तो इसका मतलब सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं बताओ? तो कहीं कहीं बुक में यही रिजल्ट आपको ऐसे लिखा मिलता है, सी क्रॉस ए प्लस
बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी, हाँ या ना? तो ये रिजल्ट दिमाग में रखने की आपको वैसे जरूरत तो नहीं है, बट हाँ ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इसके मैग्नीट्यूड का हाफ ये ध्यान रखिएगा। जहां पर एबीसी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एबीसी। हमें सिर्फ काम क्या करना है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर लिख लेने हैं और सीधा ये रिजल्ट लगा देना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको हमेशा एरिया मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, बोलिए भाई। ट्रायंगल का एरिया आप आराम से निकाल लेंगे कि नहीं बताओ, कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर मिलके, बोलो। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। अब आओ आगे बढ़ते हैं। अगर यही काम आपको क्वाड्रिलेटरल में करना हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हो, ये सपोज एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने है, ऐसा करके एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने है ए बी सी डी, ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो एरिया होता है 1/2। आप इसमें दोनों डायगोनल बना लो, एक डायगोनल बना लो ए बी, एक डायगोनल बना लो बी डी, तो ए बी क्रॉस बी डी इसका जो एरिया होता है ना वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब AC क्रॉस BD का। समझ रहे हो कि नहीं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया निकालना है वेयर AC एंड BD आर डायगोनल वेक्टर्स, तो वो डायगोनल वेक्टर्स हैं, तो इसका एरिया आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन ये होता है। समझ गए कि नहीं? तो आप उसका एरिया डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको दो डायगोनल वेक्टर्स पता है तो। समझ गए कि नहीं बताइए? तो आप उसका एरिया डायरेक्ट डायगोनल वेक्टर से आप उसका एरिया डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज AC क्रॉस BD। यहां तक समझ गए सब लोग कि नहीं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? लिख लेंगे ना सब लोग? अब यही काम अगर आप पैरेललोग्राम के केस में करेंगे, सपोज ये आपने एक पैरेललोग्राम लिया ए बी सी डी, एडजेसेंट साइड वेक्टर आपने कहे ए और बी है, सही है, तो इसके डायगोनल वेक्टर्स क्या आते हैं, याद है ना आपको? एक वेक्टर आता है ए प्लस बी और दूसरा आता है बी माइनस ए, पहला इंफॉर्मेशन तो यही था। दूसरा अगर मैं इसका एरिया पूछूं अब आपसे, तो इसका एरिया आता है ए क्रॉस बी, मतलब अगर ए और बी एडजेसेंट साइड वेक्टर है तो इसका एरिया ए क्रॉस बी आता है, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये पैरेललोग्राम के बारे में एक इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, जहां पे एडजेसेंट साइड वेक्टर वही डायगोनल वाला प्रोडक्ट करके आपने एरिया निकाला, या इस ट्रायंगल के दो एरिया निकाल लिए, एक का एरिया एक हाफ ए क्रॉस बी का मॉड हो गया, एक का एरिया हाफ ए क्रॉस बी का मॉड हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ 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 वन हो जाएगा और ए क्रॉस बी आ जाएगा। Where A and B are the adjacent side vectors of parallelogram. तो diagonal vectors ही हो गए और area ही हो गया। बोलो भाई, कोई confusion, कोई doubt? बोलो। ये adjacent side vector A, ये adjacent side vector B और ये adjacent side vector C है। हमसे ये A से डाला गया altitude है h, इसकी height पूछी गई। What is h? Altitude मतलब लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए, ए से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ रहे हो सब लोग कि नहीं? बताओ, बोलिए। तो अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? बताओ, इसका एरिया तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, कोई भी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर लेकर, तो हम इसके एरिया को सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर लिख सकते थे कि नहीं? इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाता है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, हाँ या ना? याद आया सबको कि नहीं? ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया ही था। अच्छा, इसी एरिया को अगर हम देखें ध्यान से तो 1/2 सी माइनस बी का मॉड इंटू एच लिख सकते हैं, हाँ या ना?
बोलो भाई, ये बेस एच हाइट और इनटू बेस, ये वेक्टर कितना था, ये वाला ये वेक्टर c माइनस b वेक्टर था, और ये वेक्टर कितना था बोलो, a माइनस b वेक्टर था, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, मॉड ऑफ c माइनस b वेक्टर हो गई। ये दोनों जैसे ही बराबर करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यही लेंथ क्या आ जाएगा, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a बाई मॉड ऑफ c माइनस a आएगा कि नहीं बताओ, दैट इज एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम a। क्या है बात समझ में, ऐसे एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम बी ड्रॉन फ्रॉम सी, हर तरफ से डाला गया एल्टीट्यूड, लेंथ निकाल लोगे कि नहीं बोलो। अगर आपको ए बी सी पोजीशन वेक्टर पता है कि नहीं, सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या बात आप सभी को समझ में आ रही है बताओ। ये प्रोसेस मतलब अगर हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि ए टी एंड बी टी पैरेलल फॉर सम टी, तो हम ये प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दें बताओ, ए टी क्रॉस बी टी का जो क्रॉस है वो जीरो है फॉर सम टी, यही तो हमें प्रूफ करना है ना। अच्छा, अगर ए टी क्रॉस बी टी की आप बात करोगे तो बेसिकली ए टी क्रॉस बी टी होगा क्या, ये देख लो, AT क्रॉस BT है क्या, ये देख लो। तो आपने क्रॉस लिखना सीखा है कि नहीं बताओ, I J K F1 T F2 T 0 ना, G1 T G2 T और 0, तो ये क्या आ रहा है बताओ, K कैप F1 T G2 T माइनस F2 T एंड G1 T, बोलो भाई। और अगर हमें प्रूफ करना है कि ये जीरो है, तो हम ये प्रूफ कर दें कि ये पोर्शन किसी टी के लिए जीरो है, अरे हाँ या ना, हम ये प्रूफ कर दें कि ये पोर्शन किसी टी के लिए जीरो है। तो हमने एक नया फंक्शन मान लिया एफ टी, क्या माना वो फंक्शन बताओ, एफ वन टी इंटू जी टू टी माइनस एफ टू टी इंटू जी वन टी, डन है भाई। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन पे अगर आप आओ तो आपको a ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 3j, इसका मतलब f1 जीरो 2 है और f2 जीरो 3 है, सही है। ऐसे ही a ऑफ 1 दिया हुआ है, तो f1 1 कितना है 6 और f2 1 कितना है 2, ऐसे ही g में आओ, हाँ या ना, तो जीवन वन जीवन जीरो कितना है 3 और जीवन जी टू जीरो कितना है 2, ऐसे ही जीवन वन कितना है 2 और जी टू वन कितना है 6। अब आओ, अगर मैं कहूं कि एफ ऑफ जीरो निकालो यहां से, तो क्या आएगा, एफ वन जीरो बोलो भाई, जी टू जीरो देख लीजिए माइनस एफ टू जीरो और जीवन जीरो, प्रोडक्ट करो जरा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, थ्री इंटू टू, क्या आ रहा है भाई, टू इंटू टू बोलो, हाँ और थ्री इंटू थ्री, यही तो आ रहा है बताओ, माइनस फाइव आ रहा सर, माइनस फाइव आ गया, वेरी गुड। अब मैं यहीं से एफ वन वन पूछूं तो क्या आएगा, एफ वन वन देखो G21 F21 और G11 कितना आ रहा है, 36 minus 4 32 आ रहा है क्या, देखो F1 और G21 है ना, 36 minus this 32 आ रहा है कि नहीं, yes। आप सोचो, इसका मतलब अगर मैं T को 0 से 1 के बीच में लेता हूँ, सही है, तो इसका मतलब F0 जो है वो नेगेटिव है और F1 जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब F of T 0 होगा for some T, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा बताओ, किसी ना किसी T पर F of T 0 होगा कि नहीं होगा,
इसका मतलब कोई ना कोई टी ऐसा जरूर होगा जहां पर ये जीरो वेक्टर होगा, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर किसी ना किसी टी के लिए क्या होंगे, नहीं समझे भाई? अगर एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन के आ गए तो उसका मतलब ए से बी के बीच में एफ एक्स इक्वल टू जीरो का एक रूट होता है, ये तो आपने पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक में। तो इसका मतलब एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन के आ रहे हैं तो जीरो से वन के बीच में कभी ना कभी एक टी ऐसा जरूर आएगा जहां पर ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब किसी ना किसी एक टी पर ये जीरो बनेगा, यानी किसी ना किसी एक टी पर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बनेगा, यानी किसी ना किसी एक टी पर दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। खेल कहीं लिखा हो कि इफ अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी वेक्टर इज जीरो, देन देन ठीक है ना, ए क्रॉस बी बाई गामा, बी क्रॉस सी बाई अल्फा, एंड सी क्रॉस ए बाई बीटा, ये इक्वल होते हैं अगर ये बराबर हैं तो। समझ रहे हो कि नहीं? अगर ऐसा रिलेशन दिया हुआ तो ये रेशियो वैलिड होता है ऑलवेज। बोलिए, अच्छा ये कहां से आया होगा, देखो जरा। पहले हम ए से अगर क्रॉस लेंगे तो अल्फा ए क्रॉस ए, बीटा ए क्रॉस बी प्लस गामा ए क्रॉस सी, ये जीरो हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं सबको? अच्छा ए क्रॉस ए तो जीरो होता ही है, तो यहां से ए क्रॉस बी टाइम्स ऑफ बीटा, और इसको उठा के इधर ले आओगे तो सी क्रॉस ए टाइम्स ऑफ गामा आएगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी टाइम्स ऑफ गामा जो है वो सी क्रॉस ए टाइम्स ऑफ बीटा के बराबर आ रहा है कि नहीं, दिखा कि नहीं? ऐसे ही दूसरा रिजल्ट भी प्रूव कर लेंगे। तो याद रखने का तरीका सिंपल है कि अगर एबीसी में एक लीनियर रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी बाई ए के अलावा कोफिशिएंट, बी क्रॉस सी बाई ए का कोफिशिएंट, सी क्रॉस ए बाई बी का कोफिशिएंट, ये रेशियो हमेशा इक्वल होता है। समझ गए कि नहीं? बोलो। सेम एज हम कह सकते हैं कि सी क्रॉस ए बाई बीटा इक्वल टू B क्रॉस C बाई अल्फा है, बस इक्वल कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? तो कई बार आपसे ये भी रिजल्ट डायरेक्ट पूछा गया कि दिस है तो इनकी वैल्यूज बताओ, तो वो आप आराम से कन्वर्ट करके अब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? अरे हाँ या ना, कर लोगे कि नहीं सब लोग बताओ? तो ये वाला रिजल्ट भी आप डायरेक्ट लगा के अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ भाई, हुआ कि नहीं बताओ भाई, कहाँ चले गए सब लोग? यस सर, माइनस कर दिया, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी था, और ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी था, दोनों को माइनस कर दिया ना? यस सर। तो वहां से आ गया होगा ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू C माइनस बी क्रॉस डी, ये आया होगा। फिर क्या क्या होगा, A क्रॉस B माइनस सी माइनस D क्रॉस B माइनस सी इक्वल टू जीरो कर दिया होगा, यही किया? यस सर, A माइनस D और B माइनस सी पैरेलल आ गए। A माइनस D क्रॉस B माइनस सी जीरो आ गया, इसका मतलब A माइनस D इज पैरेलल टू B माइनस सी, और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे उसका डॉट करेंगे तो क्या आएगा, A डॉट B और प्लस C डॉट D इज नॉट इक्वल टू A डॉट C प्लस B डॉट D, सही है? यही तो है। यस सर। ऐसे ही किया होगा सबने, सही है? आप ये रिजल्ट हमेशा लिख सकते हैं। अच्छा आपको याद होगा हमने एक रिजल्ट पढ़ा है ना, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इक्वल टू मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो। बोलो, तो ध्यान से देखना, r क्रॉस i कैप के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड r स्क्वायर, i कैप तो 1 हो जाएगा, और माइनस
आर डॉट आई स्क्वायर होगा कि नहीं बोलो। अरे बोलो भाई, ये समझ में आया? ऐसे अगर मैं आर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर बोलू तो ये मॉड आर का स्क्वायर माइनस वेक्टर आर टाइम्स ऑफ जे का स्क्वायर होगा कि नहीं बोलो। ऐसे अगर मैं आर क्रॉस के कैप का स्क्वायर बोलू तो वो मॉड आर का स्क्वायर माइनस आर डॉट के कैप का स्क्वायर होगा कि नहीं। और किसी वेक्टर आर को आपने पढ़ाई था लास्ट क्लास में कि आप ये लिख सकते हो, याद आ रहा होगा ये चीज आपको, आर डॉट के कैप इंटू के कैप। तो यहां से अगर मैं मॉड आर आपसे पूछूं उसका स्क्वायर तो यही तो होता है आर डॉट आई कैप स्क्वायर, आर डॉट जे कैप स्क्वायर एंड आर डॉट के कैप स्क्वायर। ये तीनों अगर आप ऐड करोगे तो इसका मतलब आर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, आर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर, आर क्रॉस के कैप के मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा थ्री आर स्क्वायर माइनस आर डॉट आई कैप स्क्वायर, आर डॉट जे कैप स्क्वायर एंड आर डॉट के कैप स्क्वायर। तो यही रिजल्ट क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ मॉड आर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह आपके कैलकुलेशन को सीधा रिड्यूस करता है। समझ रहे हो कि नहीं भाई? कोई भी वेक्टर आर हो थ्री डायमेंशन प्लेन में, क्लियर? अब हम बात समझ गए ना सब लोग, बोलिए। यस सर। अब हम बात करने जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। सर एक सेकंड, नोट करना था, ऊपर कर दिया। कर रहा हूँ बेटा। अब हम बात करने जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। हो गया। गुड। अब मैं अगर बात करूं ए बी एंड सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, तो इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो जो उनका बॉक्स प्रोडक्ट होता है ना ए बी सी सेम साइक्लिक ऑर्डर में, इसे ही हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। इसी को हम कहते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, ये सेम साइक्लिक सेंस में होता है, तो अगर हम ए बी सी का साइक्लिक सेंस सेम रखें तो हम इसको बी डॉट सी क्रॉस ए भी बोल सकते हैं, सही है ना? और इसी को हम सी डॉट ए क्रॉस बी भी बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट में अगर इन दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ साइक्लिक सेंस चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बी सी है और किसी दो को आप कंसेक्यूटिव इंटरचेंज करते हैं तो यही ए सी बी हो जाता है। ये पहला प्रॉपर्टी है बॉक्स प्रोडक्ट में, अगर आप कोई दो कंसेक्यूटिव वेक्टर की पोजीशन में चेंज करते हैं तो पूरा बॉक्स प्रोडक्ट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? ये पहला रिजल्ट है। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? ए बी सी अगर तीन वेक्टर बॉक्स में है तो ए डॉट बी क्रॉस सी, समझ गए? बी के रेफरेंस में लिखोगे तो बी डॉट सी क्रॉस ए, अगर सी के रेफरेंस में लिखोगे तो सी डॉट ए क्रॉस बी, सेम साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी फॉलो करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यानी इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट। अब अगर यही तीसरी चीज मैं कहूँ कि अगर वेक्टर ए जो है वो है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, वेक्टर बी जो है वो है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, और वेक्टर सी जो है वो है सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। तो इन दोनों का क्रॉस और इसका डॉट लेंगे तो ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो निकल के आ जाता है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री के बराबर। अगर ए बी सी तीन वेक्टर हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा ये डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करेगा। अब जितनी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट में आ गया तो डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज बॉक्स प्रोडक्ट में आप लगा सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अगर आपने दो वेक्टर सेम ले लिए, मतलब ए ए बी, तो ये बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा कि नहीं? ऑब्वियसली दो रो सेम हो जाएंगी ना, बोलो। तो ऑब्वियसली दो वेक्टर सेम है। अच्छा, दो वेक्टर अगर आपने पैरेलल ले लिए, मतलब एक ये रहा और एक ये लैम्डा टाइम्स ऑफ ए और बी ले लिया, तो भी जीरो हो जाएगा कि नहीं, बताओ? हाँ या ना? यानी अगर बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो या पैरेलल हो तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो, बोलो। यानी कि अगर इफ एनी टू वेक्टर
आर इक्वल और पैरेलल देन बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बताओ, इस जीरो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल या इक्वल हो जाएं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाता है, जीरो। ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा ना, और ए क्रॉस लैम्डा ए भी जीरो हो जाएगा, या दो रो सेम या प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए, बोलो भाई। अच्छा, इसके बाद अगर किसी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया है, लैम्डा ए बी और सी है, तो वो लैम्डा बॉक्स प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो लैम्डा पूरी डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो वो लैम्डा पूरे डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर यही चीज यहाँ म्यू हो तो म्यू भी बाहर आ जाएगा, है ना। और इसको आप इंटरचेंज करके लैम्डा म्यू अलग अलग भी रख सकते हैं, मतलब इसको हम ए लैम्डा बी और सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ, हाँ या ना। इसके बाद अगला स्टेटमेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि एबीसी को प्लेनर वैक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को प्लेनर वेक्टर्स, तो जो उनका बॉक्स प्रोडक्ट है एबीसी वो हमेशा जीरो होगा कि नहीं, बोलो। अगर एबीसी तीन को प्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा कि नहीं, बोलो। को प्लेनर का मतलब समझते हो, मतलब ए बी सी तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे होंगे। अरे हाँ या ना बताओ। तो अगर मैं ए क्रॉस, अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना, अगर मैं सपोज ए क्रॉस बी करूंगा तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ये बताओ, बोलो। या मैं B क्रॉस C करूंगा तो भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, बोलो। अरे हाँ या ना, मतलब कोई भी दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस लोगे तो वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, बताओ। और अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हैं तो वेक्टर A और B क्रॉस C परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब A डॉट B क्रॉस C हमेशा क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब उस केस में बॉक्स ऑफ ए बी सी जीरो होगा अगर ए बी सी सब एक ही प्लेन पे होंगे, बताओ, बोलो। Yes. ये दिख रहा होगा सबको, इसीलिए वो कंडीशन जो आपने निकाली थी ना, कौन सी डिटर्मिनेंट वाली जिसमें वो जीरो आ जा रहा था, अब वो कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी कि वो कहाँ से आती है, बताइए। आपको कई सारे वेक्टर्स अंदर दे दिए फिर उनका क्रॉस करना हो एबीसी के टर्म में, है ना, जैसे एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर और जेड सी वेक्टर हो, ठीक है, फिर अल्फा ए वेक्टर, बीटा बी वेक्टर और गामा सी वेक्टर हो, और फिर आपका हो जैसे मान लो कुछ और ले लो, एक्स वन ले लो, एक्स वन ए वेक्टर, Y1 B वेक्टर एंड Z1 C वेक्टर, ऐसे करके हो। और आपको इस बॉक्स प्रोडक्ट को ओपन करना हो इन टर्म्स ऑफ ABC, तो ये बॉक्स प्रोडक्ट आता है डिटरमिनेंट ऑफ X, Y, Z, अल्फा बीटा गामा, इसके बाद X1 Y1 Z1, इसका डिटरमिनेंट इनटू बॉक्स ऑफ ABC, ये ध्यान रखिए। मतलब अगर ये सारे वेक्टर ABC के टर्म में लीनियरली डिपेंडेंट करके आपके सामने रख दिए जाए, ये और ये, और फिर उसका आपको बॉक्स लेना हो तो सीधा आप इसका डिटरमिनेंट लेकर बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी के टर्म में इसको लिख सकते हैं, सही है ना, हाँ है ना। आप सोचो अगर एबीसी तीन कोप्लेनर वेक्टर है तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी उसी प्लेन पे होगा, तो अगर एबीसी कोप्लेनर है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला हर वैक्टर भी क्या होगा, कोप्लेनर होगा, क्योंकि उसका भी बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो, अगर एबीसी जीरो है। नहीं समझे मेरी बात, मतलब ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताया कि आपका कैलकुलेशन कई बार रिड्यूस हो जाता है, जैसे आपको ये करना हो 2a-b, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी और a-2b+c, इसका बॉक्स आपको निकालना हो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी सी हो, और आपसे पूछा गया हो लैम्डा, सही है ना, तो अब बताओ सीधा आप लैम्डा निकाल लोगे कि नहीं,
डिटर्मिनेंट ए बी सी ए बी सी ए बी सी, हाँ या ना, इसी को सीधा आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे। क्या है मेरी बात अब सबको समझ में आ रही है, ये बताओ, बोलिए। सिक्स और प्लस का थ्री, तो क्या आंसर नाइन आ जाएगा, देखो। अरे हाँ या ना, तो लैम्डा की वैल्यू सीधा आप नाइन निकाल के लिख सकते हो। दिख रहा है कि नहीं सबको, बताओ। एक्स वाई जेड एबीसी का कोफिशिएंट, अल्फा बीटा गामा एबीसी का कोफिशिएंट, एक्स वन वाई वन जेड वन वेक्टर ए वेक्टर बी का कोफिशिएंट इनटू बॉक्स ऑफ एबीसी, दैट इज दिस वेक्टर। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, यहाँ तक अच्छा। इसके बाद बॉक्स प्रोडक्ट में अगला जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि अगर दो बॉक्स प्रोडक्ट है ए बी सी वैक्टर का और पी क्यू आर वैक्टर का, तो ये दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं बेसिकली, तो ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है ये निकल के आता है क्या, ए डॉट पी ए डॉट क्यू ए डॉट आर, फिर बी डॉट पी बी डॉट क्यू बी डॉट आर, और सी डॉट पी सी डॉट क्यू और सी डॉट आर, सही है ना। अब ऑब्वियसली दो डिटर्मिनेंट जब आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट बेसिकली डिटर्मिनेंट ही हो गया ना, तो दो वेक्टर का सेट अगर आ जाए पी क्यू आर और ए बी सी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो ए वेक्टर उठाओ तीनों से डॉट ले लो, बी वेक्टर उठाओ तीनों से डॉट ले लो, सी वेक्टर उठाओ तीनों से डॉट ले लो, और इसी को आप बना के लिख दो। ये दो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उनका बॉक्स प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, ए बी सी तीन तीन वेक्टर, पी क्यू आर तीन वेक्टर, उनका बॉक्स प्रोडक्ट आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका यूज बहुत ही कम हुआ है बट ये जरूर यूज हुआ है कि बॉक्स ऑफ ए बी सी का अगर स्क्वायर आ जाए, तो ऑब्वियसली एबीसी बॉक्स को एबीसी के बॉक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए बी डॉट बी एंड बी डॉट सी, ये समझ रहे हो कि नहीं, सी डॉट ए सी डॉट बी एंड सी डॉट सी, बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली, ये क्वेश्चन एक्चुअली आया हुआ है, आपसे पूछा गया था कि ए बी सी आर, क्वेश्चन ये था ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर, थ्री यूनिट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन ईच पेयर is 60 degree, then find box of ABC, ये question पूछा गया। तो अगर ABC तीन unit vector हैं, तो इसका मतलब A, B और C तीनों का magnitude one है, और अगर उनके बीच का angle 60 है, तो A dot B, B dot C और C dot A की value cos 60 मतलब half है, तो अब हमें box of ABC चाहिए, box of ABC का square क्या हो गया, one half half हाफ वन हाफ 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 वन, इसी को हम सिंप्लीफाई कर दें, तो वन वन माइनस वन बाई फोर, देख लीजिएगा ध्यान से, फिर माइनस हाफ हाफ माइनस वन बाई फोर, फिर प्लस का हाफ, ये बचेगा वन बाई फोर माइनस हाफ, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, सही लिखा है, वन वन माइनस वन बाई फोर, फिर माइनस हाफ हाफ माइनस वन बाई फोर, फिर प्लस का हाफ वन बाई फोर माइनस हाफ, तो पूरा ऐड होके कितना आएगा बताओ, ये आया थ्री बाई फोर, ये आएगा वन बाई फोर, तो माइनस का वन बाई एट, और ये आएगा आपका माइनस प्लस का वन बाई एट, क्या देखो, या माइनस का ही वन बाई एट, ये भी आएगा, तो ये वन बाई टू आएगा, तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या वन बाई रूट टू आ रहा है, चेक करो जरा। अरे हाँ ये ना, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, समझ में आया कि नहीं, तो आप ये रिजल्ट समझ गए कि नहीं, दो वेक्टर इसमें भी वही सेम काम किया, एबीसी एबीसी रख के डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखा, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, ठीक है। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम स्मॉल ए कह देते हैं, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को हम स्मॉल बी कह देते हैं, और वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड को हम स्मॉल सी कह देते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन B एंड C,
हम कह देते हैं कि थीटा है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी इसको हम कह देते हैं अल्फा है। तब पहले तो हम लिखेंगे मॉड ए मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इनटू कॉस अल्फा, फिर हम लिखेंगे मॉड ए, अच्छा बी क्रॉस सी का मतलब हो गया मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इनटू साइन थीटा, बोलिए इनटू कॉस अल्फा। तो अगर हमें कहीं यूज करना हो तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट उसके हिसाब से जो इंफॉर्मेशन जैसे मैंने लिखी है ना वैसे आपको वो इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, जहां पे थीटा किसके बीच का एंगल हो गया पता चला ना, बी और सी के बीच का, और अल्फा किसके बीच का एंगल हो गया, बोलो ए और बी क्रॉस सी के बीच का। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं बताइए, बोलो। मतलब सिचुएशन ऐसी रही होगी कि बी और सी वेक्टर एक प्लेन पर रहे होंगे, बोलो, जिनके बीच का एंगल कितना रहा होगा, बोलो थीटा, ये वेक्टर बी हो गया ये सी हो गया। अच्छा बी क्रॉस सी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बोलो होगा कि नहीं, और उससे एक वेक्टर ए आ रहा होगा जो किस एंगल पे होगा, किस एंगल पे होगा, अल्फा, अल्फा एंगल। ऐसी सिचुएशन रही होगी, हाँ या ना, ज्योमेट्री समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान रखिएगा ज्योमेट्रिकल एनालिसिस जो मैंने किया है, बोलो भाई कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता दीजिएगा। नो सर, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये होता है, और एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट ही है ना, इसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी नहीं, इसीलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्लियर। अच्छा इसके बाद ज्योमेट्री वाइज होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, सही है ना, तो सबसे पहले तो ये समझ लो पैरेललोपिपेड ज्योमेट्री होती क्या है, फिर उसका जो तीन क्वार्टर माइनस एजेस होती हैं उनका क्या मतलब होता है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आपने क्यूब पढ़ा है ना, बोलो क्यूब में आप क्या कहते हैं कि स्क्वायर की आप सरफेसेस लेते हैं ना, ऐसे करके क्यूब में क्या होता है आप ऐसे सरफेस लेते हैं, इसमें क्या होता है यही जो फेस होती है वो एक पैरेललोग्राम होती है, क्यूब की सरफेस क्या होती है एक स्क्वायर होती है, पैरेललोपिपेड की सेम सरफेस क्या होती है एक पैरेललोग्राम होती है, समझ रहे हो कि नहीं, तो ऐसे आप पैरेललोग्राम बनाते चले जाओ, ये हो गया एक पैरेललोपिपेड, समझ गए। अच्छा कॉन्ट्रा एजेस का मतलब ये वेक्टर ए हो गया, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, समझ गए कि नहीं, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो जो इसका वॉल्यूम आता है वो आता है बॉक्स ऑफ ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज दिस, समझ रहे हो कि नहीं बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको। अगर हम ए बी सी की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, वो तो एजेस यही होनी चाहिए बट ए बी और ये सी, सही है ना। अब देखिए ध्यान से ऐसा क्यों होता है भाई, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, बेस एरिया इंटू बताओ हाइट, सही है ना। अच्छा बेस में क्या है, पैरेललोग्राम है तो बेस एरिया कितना हो गया, पैरेललोग्राम का एरिया वो कि कितना हो गया ए क्रॉस बी, बोलो। अच्छा अगर मैं हाइट निकालना चाहूं तो हाइट के लिए हमें क्या चाहिए, हाइट के लिए हमें ये वाली लेंथ चाहिए कि नहीं बताओ, बोलिए। अच्छा ये वाली लेंथ क्या होगी, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर वैक्टर लू और C वेक्टर का इसमें प्रोजेक्शन निकाल लूं तो यही हाइट होगी कि नहीं बताओ, बोलिए यही हाइट H होगी कि नहीं, सबको दिख रहा है कि नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूं बताओ, बोलो। अच्छा ये वेक्टर क्या होगा, A और B के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये वेक्टर A क्रॉस B होगा कि नहीं, बोलिए
अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, तो वो क्या होता है, सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हुआ कि नहीं ये बताओ। Yes, जैसे आप बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे, ए क्रॉस बी इंटू सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा, ये और ये कैंसिल, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी, इसीलिए वॉल्यूम बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है, समझ गए। तो यहाँ पर बॉक्स के साथ साथ दो रिजल्ट और इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हाइट। हाइट का मतलब होता है कि ए सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ये होती है इसकी हाइट, यानी कि वॉल्यूम अपॉन ए क्रॉस बी बेस एरिया, समझ रहे हो कि नहीं भाई। जहां पर ए बी सी तीन क्या होती है, क्वार्टर माइनस साइड होती है, मतलब कंजी एडजेसेंट साइड ले लो जो एक कॉर्नर से पास कर रही है, सही ना। क्वार्टर माइनस का मतलब होता है एक कॉर्नर से पास करने वाली तीन साइड्स, तो वही तीन वेक्टर ए बी सी हो गए, तो वॉल्यूम सीधा आप निकाल लेंगे, कर लेंगे ना वॉल्यूम, बोलो। अरे हाँ या ना, सही है ना। अब टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रन क्या होता है कि ये सेम और ये टेट्राहेड्रन की ज्योमेट्री है, तो कोई भी तीन एडजेसेंट साइड वेक्टर, मतलब वही क्वार्टर माइनस एजेस हैं, तो किसी एक कॉर्नर से पास करने वाली तीनों एजेस आपको लेनी है, तो वही एक कॉर्नर से पास करने वाली एजेस क्या हो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, और एक ये ले लो, समझ रहे हो कि नहीं, तो वही ले लो सी ए और बी। तो जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी सी का क्या बॉक्स। अब यहां भी वही सेम भाई, इसका अगर आप वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर आप देखोगे तो क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर आप देखोगे तो क्या होता है, 1/3 टाइम्स ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट, सही है। अब अगर आप बेस एरिया देखोगे तो बेस में क्या बन रहा है, ट्रेंगल, तो 1/2 ए क्रॉस बी। अच्छा हाइट तो अभी भी सेम ही एनालिसिस होगा ना, हाइट के लिए हाइट तो अभी सामने वाले वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर, यही तो हाइट होगा बताओ। अरे हाँ या ना। और ये हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, शेप सी का प्रोजेक्शन निकालोगे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, बोलो भाई। तो यहां पर भी हाइट का मतलब क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए क्रॉस बी, तो अभी भी वो प्रोजेक्शन क्या आएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो 1/2 1/3 सी डॉट ए क्रॉस बी बचेगा, ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, यही 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी आ जाएगा, यही वॉल्यूम का रिजल्ट होता है। मेरी बात समझ गए कि नहीं बताइए, हाँ या ना। तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी होता है, जहां पे एबीसी एक कॉर्नर से पास करने वाली तीनों साइड है, और पैरेललोपिपेड में एक कॉर्नर से पास करने वाली तीनों साइड वेक्टर एबीसी है, तो वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीस साइड वेक्टर होता है। अब पैरेललोपिपेड में बस एक चीज का यूज हो जाता है कई बार, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए, जैसे ये आपको ऐसे दिया जाए और ये एक पैरेललोपिपेड बना दिया जाए ऐसे करके, और यहां से पास अब आपको चारों पॉइंट के वो दे दिए जाए, ए बी सी और डी, समझ रहे हो कि नहीं, चारों पॉइंट के आपको पोजीशन वेक्टर पता हूं, और फिर मैं आपसे इससे वॉल्यूम पूछूं, तो किसी एक कॉर्नर से पास करने वाले तीनों एडजेसेंट साइड वेक्टर निकाल लोगे, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस सी, ये क्या हो जाएगा डी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा b माइनस सी। अब जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1/6 a माइनस सी b माइनस सी d माइनस सी, नहीं समझे। अगर a b c d क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a b c d, जहां पे a b c d क्या है, आर द पोजीशन
वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, तो जो उसका वॉल्यूम होता है 1/6 ए माइनस सी बी माइनस सी और डी माइनस, अच्छा कोई भी एक एज कॉर्नर ले लो, उस कॉर्नर से पास करने वाले तीनों वेक्टर लगा के आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना समझ में आया कि नहीं बताइए जल्दी से, जिसका पोजीशन वेक्टर है बी सी, जिसका पोजीशन वेक्टर है डी एंड डी जिसका पोजीशन वेक्टर है डी, आर को प्लेनर, आर मतलब दीज फोर पॉइंट आर लाई ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन, या ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, सही है ना। तो ये कंडीशन क्या होगी, अगर ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तो कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दो, तो आप सीधा कंडीशन लगाओगे कि बॉक्स ऑफ बी माइनस ए सी माइनस ए और डी माइनस ए जीरो होगा, अगर ये चार पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर ए बी सी डी एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो ये बॉक्स हमेशा जीरो होगा। ये समझ में आता है क्यों, बताओ भाई। सपोज ये वो प्लेन है जिस पर ये चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं, सपोज ये रहा ए ये रहा बी ये रहा सी और ये रहा डी, दिख रहा है सबको, इसका पोजीशन वेक्टर ए इसका पोजीशन वेक्टर बी है इसका पोजीशन वेक्टर सी इसका पोजीशन वेक्टर डी है, तो क्या ए बी ए सी और ए डी ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे कि नहीं बताओ। Yes. अब ये काम आप किसी भी एक पॉइंट से कर सकते हो कि नहीं बोलो, और ये तो अभी आपने पढ़ा कि अगर ये वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, नहीं समझे मेरी बात, बस इसके बॉक्स प्रोडक्ट को जीरो कर देंगे उठा के आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर चार पॉइंट आपको एक ही प्लेन पे दिए हो तो कोई एक पॉइंट फिक्स कर दो, समझ गया, बी माइनस ए सी माइनस ए डी माइनस ए, इससे तीन वेक्टर बना के उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या कर दो, जीरो। क्यों बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा ये बात मैंने आपको बताई दी है, बोलिए। अब कोई जरूरी नहीं कि ए फिक्स करो, आप बी भी फिक्स कर सकते हो, तो बी ए बी सी बी डी को प्लेनर हो जाएंगे, नहीं समझे। अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे, अच्छा इस बॉक्स प्रोडक्ट को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो लिख ही लोगे ना, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, है कि नहीं, इसको ए कह दो इसको बी कह दो इसको सी कह दो और इसको डी कह दो, वॉल्यूम क्या होगा, कौन सा फिक्स कर दूं बताओ, ए फिक्स कर दूं, बोलिए। तो बी माइनस ए सी माइनस ए और डी माइनस ए, ये हो गए क्वार्टर माइनस वेक्टर, इसी को आपको सिंपलीफाई करना, तो 1/6 इसी का वॉल्यूम निकाल लो, तो 2 - 3 3 माइनस माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 1, देखते जाइएगा, फिर माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1, फिर 4 माइनस 3 5 माइनस 2 0 माइनस 1, इसी का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम कितना आ रहा है, माइनस 3 माइनस 21 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3, माइनस 3 करोगे तो माइनस 28 और माइनस 3 और होल डिवाइडेड बाय 6, अच्छा वॉल्यूम तो प्लस में ही रखोगे तो मॉड लगा के लास्ट में आंसर दे दीजिएगा, तो पहले से कितना बचेगा 18, बोलो भाई दूसरे से कितना बचेगा 35 और तीसरे से कितना आएगा 31 93, देखिए भाई, और 26 करना है इसको, तो तीनों को ऐड करो कितना आ रहा है 6 146/6, अरे हाँ या ना, यानी कि 73/2 आंसर आ रहा है, वॉल्यूम का चेक करो, कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है ना, समझ गया, नहीं टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालने का तरीका बोलो, इसका आंसर सही कर लीजिएगा, आंसर इज 73/3, ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, तो चारों पॉइंट कहाँ है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कर लोगे कि नहीं बताओ, किसी एक पॉइंट को क्या करोगे फिक्स, किसको फिक्स कर दे बताओ, किसी एक को फिक्स करके
मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट जीरो कर दो। बोलिए। हाँ भाई, सिंपल सा काम आपको करना था क्या, कि इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी पोजीशन वेक्टर ले लिए, तो किसी एक पॉइंट से तीन वेक्टर बना लो, बी माइनस ए, सी माइनस ए और डी माइनस ए, इन तीनों का बॉक्स क्या होना चाहिए, जीरो। जैसे ही बॉक्स को जीरो करोगे, वहां से सिंपलीफाई करोगे, लैम्डा की वैल्यू माइनस, नहीं समझे, चार पॉइंट अगर को प्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं, तो उनसे तीन वेक्टर बना के उन पे को प्लेनर की कंडीशन लगा दी जाती है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, ध्यान से देखिएगा। मतलब ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर डी कैन बी रिटन एज अगर ये तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, तो किसी वेक्टर को आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, म्यू टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए एंड डेल्टा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये ध्यान रखिएगा, अगर ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो किसी वेक्टर डी को आप हमेशा इन तीन वेक्टर ए बी सी के टर्म में लिख सकते हो। ये समझ में आया कि नहीं, बोलिए। आप हमेशा ये काम कर सकते हो। अब अगर आप हमेशा ये काम कर सकते हो, तो बाकी चीज तो फिर सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो। अब जैसे इसमें डी डॉट ए करोगे, तो भाई ये और ये हो जाएंगे जीरो, हाँ या ना। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बताओ, बोलिए। बॉक्स ऑफ ए बी सी बन जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू डी डॉट ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी होगी कि नहीं, बोलो। यहाँ है ना, ऐसे इसमें डी डॉट बी करोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी बॉक्स ऑफ ए बी सी हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू डी डॉट बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी आएगी कि नहीं, हाँ या ना। ऐसे इसमें डी डॉट सी करोगे तो डेल्टा की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, डी डॉट सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन। ये समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखो तो डी वेक्टर क्या लिखा हुआ है, बोलो। ये लिखा हुआ है डी डॉट ए टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस डी डॉट बी टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस डी डॉट सी टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। इसलिए ध्यान रखिएगा, नहीं समझे पूरी बात, बोलो। अब अगर आप जैसे यूनिट वेक्टर है इसका मॉड लेंगे तो वो बॉक्स ऑफ ए बी सी के बराबर आ जाएगा। बोलिए भाई, पूरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं, हाँ या ना, बोलिए। यस सर। वेक्टर डी को आप, अगर ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो किसी वेक्टर डी को आप इसके टर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, म्यू टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए और डेल्टा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताइए। ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, अगर ए बी एंड सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, सही है ना, तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, ये होता है ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी। ये ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब होता है ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी, ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर एंड माइनस ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। पहले इन दोनों का डॉट बी के टर्म में, फिर इन दोनों का डॉट और सी के टर्म। अच्छा, इस वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जो बी और सी के प्लेन पे है। ऑब्वियसली लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, म्यू टाइम्स ऑफ सी लिखा, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी अ वेक्टर लाई ऑन प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी एंड सी, या इसी को हम कह सकते हैं कोप्लेनर
विद वेक्टर बी एंड सी, है कि नहीं? अच्छा, क्योंकि ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी से बना है तो वो ए और बी क्रॉस सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? टू वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी। अच्छा, बी और सी के प्लेन पे है तो बी क्रॉस सी के तो परपेंडिकुलर होगा ही, और ए के भी परपेंडिकुलर है, समझ में आया? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ज्योमेट्रिकली पूछूं अ यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए, तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा कि नहीं, बोलिए। जो बी और सी के प्लेन पे हो और ए के परपेंडिकुलर हो तो वो यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा कि नहीं, बोलो। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ, अरे हाँ या ना। अगर वो BC के प्लेन पे है और A के परपेंडिकुलर है तो यूनिट वेक्टर हमेशा A क्रॉस B क्रॉस C अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C होगा कि नहीं, यदि हाँ या ना में जवाब दो भाई। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को कि नहीं? यस सर, यस सर। ये वेक्टर किसके प्लेन पे होगा? ये वेक्टर C और A के प्लेन पे होगा और B के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको क्या लिखोगे? B डॉट A टाइम्स ऑफ C माइनस B डॉट C टाइम्स ऑफ A, नहीं समझ रहे हो? अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ इसको लिखो कि इसको लिखो, सपोज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखो माइनस टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और फिर इसको लिखो तो माइनस टाइम्स ऑफ सी डॉट बी टाइम्स ऑफ ए माइनस सी डॉट ए टाइम्स ऑफ बी, और फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा c डॉट a टाइम्स ऑफ b माइनस c डॉट b टाइम्स ऑफ a। एक ऊपर वाले रिजल्ट पर ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से आपको कैसा भी सिचुएशन हो आप सीधा ओपन करके लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर b और c और a के प्लेन पे आ गया b के परपेंडिकुलर, तो a क्रॉस b क्रॉस c का मतलब समझ गए? वेक्टर जो दो वेक्टर जिनका क्रॉस हो रहा है उनके प्लेन पे है और तीसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो अगर हमें आज के बाद कोई वेक्टर लिखना हो जो bc के प्लेन पे और a के परपेंडिकुलर हो तो हम हमेशा ये यूनिट वेक्टर लिखते हैं a क्रॉस b क्रॉस c अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c। बोलिए, समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं, बताइए। कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो या कोई डाउट आ रहा है तो, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? बोलिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, अरे हाँ या ना, क्लियर है? बोलिए, BC के प्लेन पे और A के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो होगा A क्रॉस B क्रॉस C। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताइए, याद होगा आपको एंगल पूछा गया, तो यूनिट वेक्टर है तो मॉड तो सबका वन हो जाएगा। तो अगर मैं A क्रॉस B क्रॉस C की आपसे बात करूं तो हो जाएगा A डॉट C टाइम्स ऑफ B वेक्टर माइनस A डॉट B टाइम्स ऑफ C वेक्टर। अच्छा, ये दिया हुआ है वेक्टर B बाई टू, हाँ या ना? तो इसका मतलब a डॉट c टाइम्स ऑफ b वेक्टर और माइनस a डॉट b टाइम्स ऑफ c वेक्टर, तो इसमें से माइनस इधर आ गया तो माइनस हाफ कॉमन आ गया, दिख रहा है कि नहीं? टाइम्स ऑफ c वेक्टर जीरो, तो इसका मतलब a डॉट c की वैल्यू हाफ आ गई और a डॉट b की वैल्यू जीरो आ गई, क्योंकि तो b और c तो नॉन पैरेलल वेक्टर है। अच्छा, ये वेक्टर अगर a और c के बीच का एंगल हम कह दें थीटा है, ये क्या बन गया? सब यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब cos थीटा हाफ, थीटा पाई बाई थ्री आ गया कि नहीं? तो a और b के बीच का एंगल कितना हो गया? बोलो, a और c के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया। अच्छा, a डॉट b जीरो है, इसका मतलब एंगल बिटवीन a एंड b कितना हो गया? 90 डिग्री। समझ गए कि नहीं भाई, कंपेयर करके बताओ? क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड वन था ही, तो मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा लगा देना था। समझ में आया कि नहीं? तीन वेक्टर्स हैं,
थ्री नॉन जीरो वेक्टर ए बी एंड सी, तो बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए जो है वो होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। नहीं समझ रहा बोलिए भाई, ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। एक तो ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये हमेशा जीरो होता है। समझ गए? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये हमेशा जीरो होता है। वो तो क्रॉस सीधा ओपन करेंगे सब कैंसिल हो जाते हैं। बोलो भाई क्लियर हो रहा है? ये दोनों रिजल्ट आराम से प्रूफ कर लीजिएगा। अगर तीन वेक्टर ए बी सी दिए हुए हैं तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का जो बॉक्स होता है वो यही होता है। अच्छा एक, अब चलो क्रॉस और डॉट की बात आई है तो एक रिजल्ट ये भी होता है कि बॉक्स ऑफ अगर ये हो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए हो, तो ये टू टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी सी होता है। और यही अगर बॉक्स ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए हो जाए तो जीरो हो जाता है। सही है ना? तो अगर ये चारों रिजल्ट आप आराम से प्रूफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आती, चारों आराम से प्रूफ हो जाते हैं। बोलिए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? A क्रॉस B। सबसे पहले इसी की वैल्यू तो निकालेंगे। तो ये क्या होगा? A डॉट B टाइम्स ऑफ A वेक्टर माइनस A डॉट A टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ए डॉट बी तो जीरो दिया हुआ है, ए डॉट ए वन दिया हुआ है, तो क्या ये माइनस बी वेक्टर आएगा? अब आओ ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी निकालोगे तो ये तो माइनस बी हो गया, तो ये क्या बना? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी हो गया कि नहीं? बोलो भाई। तो फिर से क्या निकालोगे? ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी निकालोगे तो हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। हाँ या ना? ये फिर से क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा b वेक्टर, तो ये पूरा b आएगा। अल्टीमेटली इसी का क्या लेना है? मॉड। फाइनल आंसर क्या आएगा? मॉड b, और मॉड b कितना दिया हुआ है? हाँ। नहीं समझे? बोलो भाई क्लियर हुआ क्वेश्चन की नहीं? यस सर। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1/2। बोलो भाई समझ गए? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। और नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। याद रखने का तरीका, ए डॉट सी ए डॉट डी, B dot C, B dot D। सही आता कहां से? देखो A भाई, ये अगर box product की तरह लिखा है तो ये A cross B, C और D ऐसे ही तो लिखा है, देखो नहीं क्या? बोलो भाई लिखा है कि नहीं? तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, या इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, A A cross B dot B cross C, ऐसे तो लिखा है ना भाई? ये देखो जरा ध्यान से, तो चाहोगे तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि नहीं? अगर आप इसको एज अ वेक्टर बोलना चाहोगे तो ये लिखा क्या है? ए क्रॉस बी, भाई बॉक्स प्रोडक्ट में तो आप कैसे भी लिख सकते हो ना, क्रॉस सी डॉट डी, ये बोल सकते हो कि नहीं बताओ? अरे बोलो यार भाई, बॉक्स ऑफ ए बी सी है, इसको आप ये बोल सकते हो कि नहीं, A क्रॉस B डॉट C? अरे हाँ या ना? बोलो। yes. बोल सकते हो ना? तो वही हो गया A क्रॉस B डॉट C, तो A क्रॉस B डॉट C लिख सकते हैं। अच्छा इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, C क्रॉस A क्रॉस B फिर डॉट D, लिख सकते हो।
इसको क्या ओपन कर सकते हो, सी डॉट बी टाइम्स ऑफ ए माइनस सी डॉट ए टाइम्स ऑफ बी, लिख सकते हो कि नहीं बताओ, फिर डॉट डी। तो इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हो, सी डॉट ए टाइम्स ऑफ बी डॉट डी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ऑफ ए डॉट डी। अब देखो वही लिखा हुआ है कि नहीं, ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट डी। नहीं समझे मेरी बात? तो बस वो याद रखने वाला तरीका है, आप उसको एज अ सिंप्लीफाई करके याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। अगर चार वेक्टर हैं और उसमें ए क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस डी दिया हुआ है, तो आप इस रिजल्ट को ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। लिख लोगे कि नहीं अब बताओ, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो वो बताओ। लिख लोगे? अच्छा, यहीं पे अगर मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिख दूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो क्या करोगे? तो अब इसको अगर ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी टाइम्स ऑफ डी, इसके साथ सी वेक्टर आएगा, माइनस ए क्रॉस बी डॉट डी डॉट सी, इसके साथ डी वेक्टर आएगा। तो ये क्या बनेगा, बॉक्स ऑफ ए बी डी टाइम्स ऑफ सी वेक्टर एंड बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स ऑफ डी वेक्टर। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? सीधा वही ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज किया है मैंने, और तो कुछ नहीं किया, बताओ। नहीं समझे? यस सर। अच्छा, इसके बाद अगर इसी रिजल्ट को ऐसे मैं लिखूं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इसका मैं मॉड ले लूं, ये हो जाएगा मॉड ए मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इनटू साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। इसी को मैं लिख सकता हूँ मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या होगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो आप इस चीज के मॉडुलस को ऐसे भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, जहां पर ये एंगल का ये मतलब है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? तो जहां सिचुएशन जरूरत पड़ेगी वहां आप इस प्रोडक्ट को भी यूज करके अपने एनालिसिस को कर सकते हैं, ये ना, ये वेक्टर ए कैप है, ये वेक्टर बी कैप है, तो इसके एंगल बाई सेक्टर के अलांग जो वेक्टर होता है ना, वो जानते हो क्या होता है, बोलो, यूनिट वेक्टर अलोंग, ये भी इंफॉर्मेशन है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो वो होता है वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कैप, मतलब ए कैप और बी कैप के अलोंग के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर ये होता है, ए कैप प्लस बी कैप प्लस मॉड ऑफ ए कैप बी कैप। अब देखो, अगर मैं कहूं कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, सही है, तो मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप कितना होगा, बोलो, ये हो जाएगा रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए कैप बी कैप। तो क्या ये वैल्यू रूट अंडर टू प्लस टू कॉस थीटा होगी, यही वैल्यू टू कॉस थीटा बाई टू आएगी कि नहीं, चेक करिए, 4 cos square theta by 2 आ जाएगी कि नहीं। तो इसी वेक्टर को आप क्या बोलेंगे, a cap plus b cap upon 2 cos theta by 2। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाला है कि अगर a और b दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है और दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो उसके एंगल बाइसेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर होता है a cap plus b cap upon 2 cos theta by 2। समझ गए? अब क्वेश्चन पढ़िए, एबीसी को नॉन कोप्लेनर वेक्टर अल्फा बीटा इनके बीच का एंगल दिया, एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, तो वेक्टर एक्स क्या होगा, बोलो, वेक्टर एक्स ए और बी के बीच में है, तो वेक्टर एक्स क्या होगा, ए कैप प्लस बी कैप, ए और बी के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है अल्फा, तो ये टू कॉस अल्फा बाई टू होगा। वेक्टर वाई क्या होगा, बी कैप प्लस सी कैप अपॉन टू कॉस बीटा बाई टू। वेक्टर जेड क्या होगा, सी कैप प्लस ए कैप अपॉन टू cos gamma y2। ये सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? अब आओ, box of x cross y, y cross z और z cross x, ये तो अभी आपने पढ़ा क्या होता है, box of x y z का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब यही रिजल्ट क्या आएगा, बोलो भाई,
ये रिजल्ट क्या आएगा, ए कैप प्लस बी कैप बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, बी कैप प्लस सी कैप बाई टू कॉस बीटा बाई टू, सी कैप प्लस ए कैप बाई टू कॉस गामा बाई टू, इसका स्क्वायर बोलो भाई। अच्छा यहां से ये तो कॉमन आ जाएंगे, तो इसका मतलब 1/64 8 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू एंड कॉस स्क्वायर गामा बाई टू आएगा बाहर, और अंदर बचेगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी कैप प्लस ए कैप का स्क्वायर। अच्छा ये तो अभी आपने पढ़ा कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी कैप का बॉक्स, बॉक्स ऑफ एबीसी, टू टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी होता है, ये बन जाएगा 4/64 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू कॉस स्क्वायर गामा बाई टू, और ये हो जाएगा ए कैप बी कैप सी कैप का स्क्वायर, यही आंसर आ गया 1/16 ए कैप बी कैप सी कैप का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू सेक स्क्वायर बीटा बाई टू सेक स्क्वायर। ये प्रूफ करना था कि नहीं, देखो नहीं समझे पूरा खेल, बोलिए। तो एक तो ये एंगल बाई सेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर का यूज है, याद रखना ये ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर है, तो एंगल बाई सेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर होता है ए कैप प्लस बी कैप अपॉन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। अच्छा अगर ये इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये मॉडुलस की वैल्यू 2 cos थीटा बाई 2 आ जाती है। वहां से बस एक रिजल्ट ये उठाया आपने कि x क्रॉस y, y क्रॉस z, z क्रॉस x जो होता है वो x y z का स्क्वायर होता है, फिर a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a का जो बॉक्स होता है वो 2 टाइम्स ऑफ abc का बॉक्स होता है, तो 4 आ गया बस, इसी को आपने सिंपलीफाई किया। समझ में आया कि नहीं सबको बताओ। जैसे मैं क्या कह रहा था, फॉर एनी वेक्टर r, फॉर एनी वेक्टर r, वी कैन राइट, क्या राइट कर सकते हैं, i कैप क्रॉस r क्रॉस i कैप, ठीक है, प्लस j कैप क्रॉस r क्रॉस j कैप, प्लस k कैप क्रॉस r क्रॉस k कैप, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर r, किसी भी वेक्टर r के लिए आप लिख सकते हो। अच्छा ये ओपन तो आप कर ही लोगे ना, बोलो भाई इसको आप ओपन तो कर ही लोगे ना, बोलो इसको आप ओपन कर लोगे ना, i डॉट i टाइम्स ऑफ r, फिर i डॉट r टाइम्स ऑफ i माइनस का, तो वही 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर r आ जाएगा। समझ गए हो कि नहीं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज हो जाता है। तो बेसिकली इसमें हमने वही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज किया है, इसमें हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही यूज किया है, तो किसी वेक्टर r के लिए आप ये रिजल्ट लिख सकते हो, लिख लोगे कि नहीं बताओ। फॉर्म में हो सकता है ऑब्जेक्टिवली आपको मिल जाए, एक बार ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि a एंड b आर टू गिवन वेक्टर, then any vector r, उसको हम लिख सकते हैं lambda times of a mu times of b plus delta times of a cross b, क्यों, क्योंकि भाई a और b कहीं भी हो, सही है ना, a cross b हमेशा उस plane के क्या होगा, perpendicular, तो क्या ये तीनों vector non coplanar होंगे, सोचो भाई, दो वेक्टर ए और बी तो एक प्लेन पे हो जाएंगे, ए क्रॉस बी हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर होंगे, और आपने आज की क्लास में पढ़ा ना, अगर तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो किसी वेक्टर को उनके टर्म में लिखा जा सकता है, तो अगर दो वेक्टर ए और बी है और उसके टर्म में आपको किसी वेक्टर आर को अज्यूम करना है और आंसर में ए क्रॉस बी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उस वेक्टर को मानेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, म्यू टाइम्स ऑफ बी और डेल्टा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्यों, क्योंकि ए बी और ए क्रॉस बी कैसे वेक्टर होते हैं बताओ, ए बी और ए क्रॉस बी कैसे वेक्टर होते हैं, बोलो, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स,